हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में, हैप्पी सूरज ब्लॉग्स में। तो आज हम दिखाने वाले हैं अपने गांव का बहुत पुराना पुल, जिस मतलब 86 के नाम से जाना जाता है। तो उस वीडियो में हम पटना का पुल का जो तस्वीर है उसको भी दिखाएंगे। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में, यहीं से वीडियो हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं पुल के पास, तो चलिए दिखाते हैं हम पुल को। तो यहाँ से मतलब 2-4 पुल के बाद वह पुल आएगा 86 पुल, तो उसके बाद हम चलेंगे 86 पुल पे। तो अभी चलते हैं बाहर वाले पुल पे। तो देख सकते हैं आप, ये पुराना पुल है, ये भी पुराना पुल है। तो यहाँ पर जो इधर पानी भर जाता है तो इधर सप्लाई किया जाता है पानी को। तो आप देख सकते हैं इधर, चलिए इस ऊँचे वाले मतलब इस पे चलते हैं हम पुल पे। तो चलो, तो गाइस इधर लेकर आओ, कैमरा लेकर आओ, हम दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, जो इधर इसमें का पानी है जो सूख चुका है, तो जब भरा पड़ा रहता है तो पूरा पानी इधर जाता है, इधर इधर दिखाओ, इधर इधर जाता है पूरा पानी, इधर इसके नीचे नीचे इसको मतलब खोला जाता है तो इधर से पानी इधर जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पुल पे। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं थर्ड पुल पे। तो आप देख सकते हैं थर्ड पुल, उसके बाद इस पुल के बाद हम चलेंगे जिसका बेसब्री से आप सब इंतजार कर रहे हैं, 86 पुल का। तो अब हम चलेंगे 86 पुल पे, तो वहाँ का दिखाएंगे नज़ारा कितना अच्छा, मतलब बहुत पुराना पुल हो चुका है, तो वहाँ का हम नज़ारा दिखाएंगे कितना अच्छा है या ख़राब है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलते हैं 86 पुल के पास, इधर से रास्ता है, इधर से ही जाएंगे, थोड़ा जंगल भी है। थोड़ी ही दूर है 86 पुल, तो 86 पुल के करीब हम पहुंच चुके हैं। तो देख सकते हैं हम 86 पुल, तो गाइज हम पहुंच चुके हैं 86 पुल के पास। तो आप देख सकते हैं 86 पुल इस तरफ है, इस तरफ दिखाओ थोड़ा, दिख रहा है या नहीं, इस तरफ है 86 पुल। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगा हुआ है, बच्चे सब नहा रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब नहा रहे हैं वहाँ पे। तो चलिए हम दिखाते हैं, इधर से चलेंगे तो 86 पुल को देखेंगे हम। हम दिखा रहे हैं आपको ये 86 पुल, बहुत ही मतलब पुराना पुल है। तो आप देख सकते हैं मतलब इसकी लंबाई मतलब आधा किलोमीटर तक थी, होगी ही। तो आप देख सकते हैं इधर पानी सूख चुका है, तो इसीलिए थोड़ा धीरा पानी बह रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मछली मार रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे जाले लगी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं जाले लगी हुई है और इंतजार में बैठे हुए कब मछली फंसेगी या नहीं फंसेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पुराना पुल, जो कि बहुत ही पुराना पुल हो चुका है। तो साइड में हम इसको दिखा रहे हैं, इसके पीछे भी दिखाते हैं, इसके पीछे कैसा है, पीछे का नज़ारा भी आप देख लीजिए कैसा दिखता है पीछे से। तो आप देख सकते हैं पीछे से कैसा दिख रहा है, ये नहर है, नहर के मतलब ऊपर ये पुल बना हुआ है, जो उधर आपको थर्ड पुल दिखाया था और फर्स्ट पुल दिखाया। पुराने घर भी हैं और एक बरगद का गाछ भी है, पीपल का है। तो आप देख सकते हैं ये गाछ भी है। तो आपको पटना के पुल के बारे में, तो चलिए पटना के पुल के बारे में हम जानकारी पाते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा हमारे गाँव का 86 पुल? और अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो इस वीडियो के अंत में आप सभी को पटना का पुल का कुछ तस्वीरें हैं जो हम डाल देंगे, तो आप सब पटना का तस्वीर जो है वो अंत लास्ट के अंत वीडियो में मिलेगा।